दोस्तों, और एक बैड आईपीओ लिस्टिंग हुआ है एलआईसी के बाद, जिसका नाम है प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड का। ये आईपीओ आज ही लिस्टिंग हुआ है और लिस्टिंग होने के बाद इसका ओपनिंग प्राइस था 650। तो 650 में इसका ओपनिंग हुआ था, 630 इसका इशू प्राइस था। तो उसके बाद लगातार स्टॉक ने जो गिरावट दिखाया, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है, उसके सेलिंग के चलते इसमें 561 रुपीज़ नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मिल चुका है। तो स्टॉक्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिला, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इन द सेंस स्टॉक को ज़्यादा लोग सेल कर रहे थे। मॉर्निंग जब आए थे, जब दिखा रहा था मेरा लाइव सेशन में, तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा था दोस्तों। तो सेलिंग के प्रेशर में जाके ये स्टॉक्स इतना ज़्यादा नेगेटिव, मार्केट जब बंद होते हुए आपको 10% करीब गिरावट देखने के लिए मिला। प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, ये आईपीओ आज ही मार्केट में हुआ है, ओपन हुआ है, और आज ही इसमें 70 पॉइंट्स नीचे गिर के बंद हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहे। इस वीक में एलआईसी भी एक लिस्टिंग हुआ था, जिसका भी लिस्टिंग बैड लिस्टिंग हुआ था। काफ़ी सारा यहाँ पे नेगेटिव जो सेलर्स है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली सेल कर रहा है। हो सकता है ये स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे सके, पर शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक्स में आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स है, बायर्स बहुत कम है। तो ऐसे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हर रोज़ प्रोड्यूस करता रहता हूँ वीडियो के ज़रिए। आप चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए स्मार्ट मार्केट टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।